نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers आपके फेवरेट रूहानी चैनल शऊर इन्फू से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है दर्दों का रूहानी इलाज। अल्लाह ताला हर भाई बहन पर, बच्चे बड़े बूढ़े पर अपना करम और फजल फरमाए और हर मुसलमान बहन भाई को जिस्मानी अमराज खुसूसन दर्दों से महफूज रखे। अगर आपके घर में कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा जिस्मानी दर्द का शिकार है, दर्द रीह वा का है, गैंठिया है, यूरिक एसिड है या कोई भी ऐसी परेशानी जैसे आसाबी अमराज, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, चोट का दर्द या जिस्म में किसी भी जगह पर दर्द है, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल की बरकत के साथ जिस्म का दर्द खत्म हो जाएगा और अल्लाह ताला अपने करम और फजल के साथ आपको सेहत, आफियत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। इसके लिए आपको जो अमल करना है वो सूरह यासीन की आयत नंबर 58 यानी सूरह यासीन की आयत नंबर 58 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। आपको ये वाली आयत मुबारका सूरह यासीन आयत नंबर 58 41 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ ये दम करके आप मरीज को पानी पिलाएं। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ताला उसे सेहत, शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हर भाई बहन को दर्दों से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।